हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे साबूदाने की खीर। तो साबूदाने की खीर बनाने के लिए हमने साबूदाना लिया है, चीनी ली है, थोड़ी सी मूंगफली ली है, अमूल दूध का पैकेट लिया है। अब हम साबूदाने को धो लेंगे पानी से, हाथों से अच्छे से धो लेंगे मसल मसल के, ताकि सारी गंदगी जो है निकल जाए। एक से दो पानी से धोना पड़ता है, इसको अच्छे से धो ले, फिर इसको छान ले, पानी को हाथों से अलग कर दे, फिर से एक और पानी से धो लेते हैं हम इसको भी अच्छे से मसल मसल के धो लेते हैं। अब हम एक बर्तन में दूध निकालेंगे, दूध को गैस पे चढ़ाएंगे। दूध हमने गैस पे चढ़ा दिया है, अब इसमें उबाल आने लगा है, गैस हमारा उबल रहा है अच्छे से। थोड़ा सा और उबलने देते हैं इसको। अब इसमें हम साबूदाना ऐड करेंगे। हमने सारे साबूदाने को इसमें ऐड कर दिया है, फिर कलछुल की मदद से इसको चलाएंगे, बराबर चलाते हुए पकाएंगे इसको, नहीं तो साबूदाना जो है चिपक जाता है, तो इसको हमेशा चलाना पड़ता है। तो देखिए हम चला रहे हैं इसको, बराबर चलाते हुए इसको पकाएंगे। हमारा ये उबल रहा है, हल्का हल्का पक रहा है ये। लगभग पक चुका है, थोड़ा सा और पकाएंगे, चलाते हुए पकाएंगे। हमेशा चलाते रहिएगा, नहीं तो पकड़ लेता है साबूदाना। देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है, अब कम से कम 2 मिनट लगेगा और हमारा ये साबूदाने की खीर तैयार हो जाएगी। तो इसमें हम अब चीनी ऐड करेंगे, चीनी को भी अच्छे से इसमें मिला लेंगे पलटे की मदद से, इसको चलाते हुए पकाएंगे कुछ देर के लिए। देखिए हमारा साबूदाना जो है वो पक चुका है अच्छे से, कुछ देर और इसमें हम पका लेते हैं। तो लगभग हमारा अब ये साबूदाना बन चुका है और हमारी ये खीर तैयार हो चुकी है। तो एक प्लेट में खीर निकाल लेते हैं। तो हमने ये खीर को एक प्लेट में निकाल लिया है। तो हमने ये सारा खीर जो है निकाल लिया एक प्लेट में। अब इसको हम सजा देते हैं। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है हमारा ये खीर, बहुत ही टेस्टी बना है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है साबूदाने की खीर। अगर आप बनाना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।